बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर, मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी। तो आप सभी को स्टूडियो के अंदर दो बड़ी खास इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या सलमान खान मक्का मदीना उमरे के लिए जाएंगे, क्योंकि किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की, वो भी मक्का मदीने के पास। आप समझ ही होंगे, मैं आप सभी को वीडियो दिखाने वाला हूँ और उसी के साथ एक बड़ा खास वीडियो जो कि पाकिस्तानी लड़की का है, जो विराट कोहली पे पूरी तरह से फिदा है और विराट कोहली के लिए जान मान तान सब देने के लिए तैयार है। क्या बोला तूने? क्या दोनों भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे फटाफट देने वाला हूँ, दोनों भी वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि यार आप वीडियो के लिए इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पाकिस्तानी गर्ल। आजकल हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी लड़की, पाकिस्तानी गर्ल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बात तो सही है, और ऐसे में एक बार फिर चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की लड़की हम सब इंडियन पे पूरी तरह फिदा, और हम इंडियन के अंदर सबसे जो फिदा है वो विराट कोहली पे फिदा है। जैसा कि आप सभी को पता हो कि अभी हाल ही के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, जहां पर वो मैच रद्द कर दिया गया पानी की वजह से। लेकिन मैच रद्द करने की वजह से लड़की बहुत ज्यादा नाराज हो गई और विराट कोहली की सेंचुरी नहीं मारने की वजह से बहुत ज्यादा नाराज हो गई, और क्या बोली आप सबसे पहले छोटा सा वीडियो देख लीजिए। बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर, मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम और आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिज सेंचुरी। मेरा दिल टूट गया। पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही हूँ, पाकिस्तान और दोनों साथ हैं। चाचा पड़ोसी से प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना? अगर विराट और बाबर आजम में से किसी एक को चुनो आपको, तो किसको चुनेंगे? विराट कोहली। तो जैसा कि आपने छोटा सा वीडियो देख लिया कि लड़की किस तरह से मतलब विराट कोहली की फैन है और किस तरह से इंडियन टीम की फैन है, मतलब एक तरफ फ्लैग लगाया पाकिस्तान का, एक तरफ लगाया इंडिया का। लेकिन इस पर आपकी कह रहा है मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक सीमा हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना तहलका मचा सकती तो भी दूसरी पाकिस्तान की लड़की आएंगी तो फिर क्या होगा? ये तो थी पहली इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऐसे में आप सभी को दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन दूं बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो बड़े बड़े एक्टर हैं, चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, दिलीप कुमार हो, मतलब जितने भी मुस्लिम एक्टर है, चाहे वो कादर खान हो, इन्होंने मक्का मदीना जाके किसी ने हज किया, किसी ने उमरा किया। और जैसे कि आप समझोगे अभी हाल ही के अंदर शाहरुख खान ने भी जाके उमरा किया था। लेकिन ऐसे में अभी राखी सावंत उमरे के लिए जाती है और एक वीडियो बनाती है जहाँ पर वो सलमान खान से रिक्वेस्ट करी कि सलमान भाई आप भी उमरा करने के लिए आ जाओ। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। ये देखिए, मैं यहाँ पे जन्नत के दरवाजे के पास हूँ। सलमान भाई आप आ जाइए, सलमान भाई आप आ जाइए, उमरा कीजिए सलमान भाई, सलमान भाई आप आ जाइए, सलमान भाई मैंने जन्नत के दरवाजे के पास हूँ। सलमान भाई पूरा बॉलीवुड यहाँ पे आ जाओ, जियारत कर दो। सलमान भाई कब आओगे आप? सलमान भाई कब आओ? फातिमा, फातिमा राखी नहीं, वालेकुम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, मैं दुआ मांगती हूँ, मैं दुआ मांगती हूँ, मैं दुआ मांगती हूँ, सलमान भाई आप ज़रूर आएंगे यार, मैं दुआ मांगती हूँ, मैं दुआ मांगती हूँ, मैं दुआ मांगती हूँ, ज़रूर आएंगे आप फातिमा। थोड़ा सा हाँ, जैसा कि आपने वीडियो देखी ना होगा किस तरह से राखी सावंत उमरा के लिए बुला रही है सलमान खान को। लेकिन इसी पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है जिस तरह से शाहरुख खान, दिलीप कुमार, कादा खान, आमिर खान जिस तरह से मतलब हज करने के लिए, उमरा करने के लिए गए, उसी तरह से सलमान खान जा सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर, इतना फैलाइए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए।